संपन्न हो जाती है। तो संपन्न जब हो जाते हैं तब पवित्र भी हो जाता है। तो वहां पे उन पांच आत्माओं में शिव तो नहीं होता। ब्रह्मा से विष्णु बनता है या शिव से ब्रह्मा बनता है फिर विष्णु बनता है? पांचों ब्रह्मा विष्णु बनता है। ब्रह्मा ही तो विष्णु बनते हैं। हाँ। ब्रह्मा से विष्णु गाया हुआ है। हाँ। तो शिव कहाँ विष्णु बनता है? शिव तो बिंदी का नाम है जो सदैव बिंदी ही है, प्रवेश करता है तो भी किस रूप में रहता है? बिंदी रूप में रहता है। उसका कोई कर्म अकर्म विकर्म बनता ही नहीं है, वो तो अभोक्ता है, वो तो अकर्ता है, कुछ करता ही नहीं है, तो वो विष्णु कहाँ बने? नहीं, विष्णु बनने का नहीं, तो वो आत्मा कहाँ चली जाएगी? कौन? शिव की आत्मा भी प्रवेश की हुई है। जैसे कोई बच्चा है, पढ़ाई पढ़ ली बहुत ऊंची, पढ़ाई पढ़ करके वो सबके दिल को जीतता है, प्राइम मिनिस्टर बन गया, तो कहीं आत्मा चली जाती है क्या? विष्णु तो एक परम पद है। विष्णु क्या है? एक ऊंचा से ऊंचा दुनिया का पद है, जिससे ऊंचा पद कोई होता ही नहीं। तो ये पांचों आत्माओं के संस्कार मिलकर के एक हो जाते हैं तो विष्णु कहा जाता है। तब शिव का कर्म खत्म हो गया उस समय है? तब शिव बाप का जो कर्म है, बाप किस लिए आया है? नर को नर नारायण बन गया तो फिर बाप का काम खत्म हो गया या चालू रहेगा? राजधानी स्थापन हुई या नहीं हुई? पहले राजधानी स्थापन हो गई। राजधानी स्थापन हो गई, जब राजधानी स्थापन हो गई तो बाप का काम भी खलास हो गया। और केरला को गॉडसन कंट्री कहते हैं बाबा। हैं? केरला को गॉडसन कंट्री कहते हैं। गॉड भगवान का राज्य ठीक है। हाँ, तो कैसे हो? किस वजह से ऐसे होता है? केला, केरला यहाँ जो फल पैदा होते हैं उनमें सबसे ज्यादा फल कौन सा पैदा होता है? केला। केला बहुत पैदा होता है। नारियल। जब केला पैदा होता है तो केला तो फलों की रानी है। क्या है? केला है फलों की रानी। तो फलों की रानी है तो राजा भी तो कोई चाहिए। ये ऐसी फलों की रानी है जिसका राजा है शिव त्रिनेत्री। त्रिनेत्री देवताओं के ऊपर और शक्तियों के ऊपर फोड़ के चढ़ाया जाता है। वो खोपड़ा जब तक न फूटे तब तक चढ़ाने योग्य नहीं है। खोपड़ा फूटता है और उसमें से असली माल निकल के बाहर आ जाता है। राजा और रानी दोनों की भूमि है। कोई राजा ऐसा देखा बिना रानी के हो? हैं? सन्यासियों की तो राजा ही नहीं होती। तो ये गॉड गॉडेस की भूमि है। आप तो सिर्फ गॉड की भूमि कहते हैं। गॉडेस छुपी हुई है। और ब्रह्मा तो पांच ब्रह्मा कहा जाता है। ब्रह्मा को पांच ब्रह्मा नहीं कहा जाता है। पांच आत्माएं हैं जो ब्रह्मा के रूप में पार्ट बजाने वाली है। परंतु बाबा आज मुझे भी बोला है जो जिस तन में आते हैं उसका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। परंतु तीन आत्मा के शरीर में, तीन शरीर में भी बाप आता है। तीन शरीर में आते हैं आदि, और दो माताएं आदमी नहीं थी, भूल गए? वैष्णवी के तन में नहीं आते। अभी वैष्णो देवता प्रत्यक्ष हो गया? नहीं प्रत्यक्ष हुआ, लेकिन बाबा ने तो कहा है कि तीन मूर्तियां प्रत्यक्ष हो गए। तुम्हें पता नहीं चला कि ब्रह्मा का पार्ट किसका है, विष्णु का पार्ट किसका है, शंकर का पार्ट किसका है? विश्व विजय करके देव लावे तब हो वे प्रण पूर्ण, हमारा झंडा ऊंचा रहे हमारा।
झंडे में तीन कपड़े हैं, कपड़ा किस बात की यादगार है? शरीर रूपी वस्त्र है ना, तो तीन शरीर रूपी वस्त्र कौन से हैं जो विश्व विजय करके दिखलाते हैं? विश्व विजय करके दिखलावे कोई कोई व्यक्ति हुए होंगे ना जिन्होंने विश्व विजय की होगी है? कि अपने आप विश्व विजय हो जाती है, तो वो निमित्त मात्र तीन कपड़े कौन से हैं जो विश्व विजय विश्व में विजय प्राप्त करते हैं? ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया, फिर कौन सा ब्रह्मा? अरे वो तो दाढ़ी मूछ वाला ब्रह्मा था, उसकी तो कोई मंदिर ही नहीं बनते, पूजन ही नहीं होता, मूर्तियां ही नहीं बनती। वो ही ब्रह्मा जब कोई स्त्री चोले में प्रवेश करता है, माता के तन में प्रवेश करता है, तब उसकी पूजा होती है देवी के रूप में, वो ब्रह्मा की बात है। जिसके लिए बोला है ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना। वो ब्रह्मा तो शरीर छोड़ गया, नई दुनिया बन गई क्या? तो ब्रह्मा कुमारियों से पूछो, 20 बार मुरली में आता है ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना, तो ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया, स्थापना कहाँ हुई? कहेंगे गुलजार दादी द्वारा। गुलजार दादी के तो खुद ही बाल सारे उड़ गए, कब शरीर छोड़ दे कुछ भी पता नहीं। तो स्वर्ग की स्थापना कैसे होगी? वही ब्रह्मा कोई न कोई माता में प्रवेश करता है, और प्रवेश करने के बाद फिर जगदम्बा के रूप में पूजा जाता है। इसलिए मुरली में बोला है वास्तव में ये ब्रह्मा ही तुम्हारी जगदम्बा है। तो दाढ़ी मूछ वाली ब्रह्मा जगदम्बा है क्या? नहीं, आत्मा की तरफ इशारा किया। यही आत्मा शरीर छोड़ने के बाद कोई नारी चोले में प्रवेश करती है, और प्रवेश करने के बाद जगदम्बा का पाठ बजाती। जगदम्बा कहो या ब्रह्मा कहो, अर्थ तो एक ही है। ब्रह्म माँ, ब्रह्म माने बड़ी, माँ माने माँ, जगदम्बा माने सारे जगत की माँ। तो वो भी तो एक ब्रह्मा है, जगदम्बा भी ब्रह्मा है, दादा लेखराज भी ब्रह्मा है, और फिर विष्णु के रूप में जो पालना करेगी वो माँ है या नहीं? वो वैसे भी माँ नहीं है, है? वो भी माँ है। हाँ, उसमें बोलते नहीं है, बोलना प्रसिद्ध नहीं है, प्रैक्टिकल एक्ट प्रसिद्ध है। विष्णु द्वारा प्रैक्टिकल कार्य होगा या बोल बोल करना होगा और समझना समझाना होगा? प्रैक्टिकल कार्य होगा, तो प्रैक्टिकल को ब्रह्मा नहीं कहेंगे। दादा लेखराज ब्रह्मा के द्वारा जो सहन किया गया, वो दादा लेखराज ने सहन किया या शिव की शक्ति ने सहन किया? अगर दादा लेखराज वाली आत्मा सहन कर सकती होती तो 63 जन्म पहले ही सहन कर लिया होता, ऐसे नहीं हुआ ना। ऐसे ही प्रैक्टिकल कार्य भी कौन करता है? करण करावनहार कौन है? शिव ही है। वो शिव ही वैष्णवी शक्ति में प्रवेश करता है, और जो कार्य ब्रह्मा के द्वारा भी नहीं हो सका, जो कार्य शंकर द्वारा भी नहीं हो सका, जो कार्य बाप द्वारा स्वयं नहीं हो पाता, टीचर के द्वारा भी नहीं हो पाता, और पुरुष रूप में गुरु के द्वारा भी नहीं हो पाता, वो कार्य माता गुरु के द्वारा संपन्न कर। तो कितने ब्रह्मा, उनकी बात अभी पूरी नहीं हुई है, कितने ब्रह्मा हुए? कहाँ हुए? पांच। गिना, आदि माँ, छोटी माँ, बड़ी माँ, छोटी माँ, बड़ी माँ, दो ब्रह्मा हो गए। लेखराज ब्रह्मा, प्रजापिता ब्रह्मा, ब्रह्मा हो गया दादा लेखराज, ब्रह्मा हो गया देन लेखराज का फॉलोवर जगदम्बा सरस्वती। हाँ, तो पांच ब्रह्मा हो गए। पांचों में शिव की शक्ति ही कार्य करती है, शिव ही प्रवेश करके कार्य करता है, परंतु मुकर्रर रखती एक ही है। दूसरा कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे अंदर शिव भगवान आता है, अगर कहे तो हिरण्यकश्यप हो जाता है। जो अपन को भगवान कहता है, शिव कहता है,
ब्रह्मा अस्मि कहता है, शिवो अहम कहता है, वो कौन है? हिरण्यकश्यप। ये पालना का काम जो है ये 36 तक चलेगा, ठीक है। अभी अंतराल पीरियड कहा जाता है विष्णु का, ठीक है। उसका मतलब प्रत्यक्षता कहाँ हुई है विष्णु की? लेकिन अभी गुप्त में काम चल रहा है, जरूर गुप्त में काम चल रहा है। अंतराल उसे कहा जाता है कि फाउंडेशन तो पड़ गया नई दुनिया का, लेकिन जब मकान का फाउंडेशन डालते हैं तो चारों तरफ कपड़े से बंद कर देते हैं। आज बिल्डिंगें बनती हैं तो चारों तरफ पर्दा लगा देते हैं, तो ऐसे ही यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में भी फाउंडेशन तो पड़ चुका है लेकिन वो अंडरग्राउंड है, बाहर से देखने में नहीं आता। जो अंडरग्राउंड मिलिट्री उसमें कार्य कर रही है सूर्यवंशी बच्चों की, वो ही जानते हैं, दूसरे कोई अभी जानते नहीं। हाँ, वो राजधानी का विस्तार हो रहा है, विस्तार होते 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 जब आखिरी स्टेज पर पहुंचता है तभी माया जोर से आक्रमण करती है, फिर पता चलता है उस राजधानी में रहने योगी कौन है और नए नए आने योगी भी कौन कौन है। शिव बाबा में तीन आत्माएं है, शिव बाबा में तीन आत्माएं, ठीक है। शिव बाप बुढ़ापिता एंड सूक्ष्म रूप से गज के रूप में हनुमान के कृष्ण वाली आत्मा, कृष्ण कब जगदम्बे में प्रवेश करते थे बाबा? बाप दादा एक बच्चे में प्रवेश करते हैं कि ढेर सारे बच्चों में प्रवेश करते हैं? शिव एक में प्रवेश करता है बाप के रूप में, जगदम्बा में बाकी ब्रह्मा की सोल ढेर बच्चों में प्रवेश करती है, उसमें एक जगदम्बा भी है मुख्य, जैसे जगत पिता है मुख्य वैसे जगदम्बा भी मुख्य है। किधर दिखाते थे मालूम नहीं थी, किधर जगदम्बा को दिखाते हैं? है बोला, तो अभी में बोल दिया जगदम्बा अभी घूंघट में, अभी में बोल दिया ना जगदम्बा कहाँ है, घूंघट में है, तुम्हें नहीं दिखाई पड़ेगी। और बाबा वाणी में बोलते हैं कि भक्ति का कोई भी निशानी नहीं रहना चाहिए, भक्ति का कोई भी निशानी नहीं रहना चाहिए बच्चों में, भक्ति की कोई भी निशानी नहीं रहनी चाहिए बच्चों में, बिल्कुल। और ये तिल गाड़ी लगाना भी भक्ति है, ठीक है। तब आपको शरीर छोड़ना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। जिनकी निशानी रह जाएगी, भक्ति की कोई भी निशानी देखने में आएगी तो उनको शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो इसका मतलब कैसे कैसे पूरा रीति क्या है कि शरीर छोड़ना पड़ेगा? मतलब भक्ति के कर्मकांड होते हैं ना, वो भक्ति के कर्मकांड कोई में अगर हैं दिखाई पड़ते हैं तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो शरीर तो सभी छोड़ेंगे आखिर, शरीर सब नहीं छोड़ेंगे, नहीं नहीं, कोई 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 तो शरीर बर्फ में दब जाएंगे और बर्फ से जब निकलेंगे उस समय आत्मा उनमें प्रवेश करेगी, सब नहीं खत्म होंगे। तो ये 4.5 लाख आत्माएं ऐसी हैं बीज रूप जिनके शरीर भी फ्रीज हो जाएंगे, खत्म नहीं होंगे। तो ये हमारे ऊपर लागू है ना, हमारे ऊपर लागू है, वो 4.5 लाख जो शरीर सहित रहेंगे उनके शरीर जो है वो भक्ति को बिल्कुल छोड़ देंगे, बाकी जो 4.5 लाख बच्चों के रूप में जन्म लेंगे उनमें भी भक्ति के निशानियां रहेंगे प्रवेश करने वाली आत्माओं में। अंतिम जन्म में अंतिम का समय आता है, जब 60 ईयर्स पूरे करता है तब जब 60 ईयर्स पूरे करता है तब उस शरीर में आते हैं बाबा, ऐसा बोलते हैं। तो दोबारा टाइम प्रजापिता के तन में आते हैं तो उनका आयु 27 ना, 69 में 27 होता है ना, 69 में 27 हो गया प्रजापिता का है दोबारा जन्म, प्रजापिता के तन में 69 में आए, ये आपसे किसने कहा? ये आपने अपने मन के अंदर बात बना ली कि 69 में प्रजापिता के अंदर शिव बाप आया।
ब्रह्म बाबा शरीर छोड़ने के बाद कहा ब्रह्मा बाबा जो शरीर छोड़ते हैं तो बच्चों में बाप दादा प्रवेश करते रहते हैं, कोई भी बच्चों में प्रवेश करते हैं, प्रत्यक्ष तो होते नहीं। प्रत्यक्षता वर्ष मनाया कब गया? 76 तो तभी से प्रत्यक्ष हुए, उससे पहले तो कोई नहीं कह सकता कि मेरे अंदर से। हाँ तो भी इनकी आयु 60 नहीं होता है ना, 76 में भी प्रजापिता का आयु 60 नहीं होता है ना। 76 में प्रजापिता वाली आत्मा 100 साल पूरे कर जाती है। 36 हाँ 100 साल पूरे हो गए माने वो आत्मा मन बुद्धि से मौज की दुनिया में पहुंच गई, उसका मृत्यु लोक खत्म हो गया। ब्रह्मा 100 वर्ष की आयु में खत्म हो जाता है, ब्रह्मा का मृत्युलोक पूरा हो जाता है, ब्रह्मा मृत्युलोक में खलास हो जाता है। मृत्युलोक उसका ब्रह्मा का खत्म हुआ तो कहाँ गया? अमरलोक माने पक्का 100% निश्चय बुद्धि बन गया, मरने करने की बात ही खत्म हो गई। बाबा अभी भी परंधाम से आत्मा आती रहती है? अभी भी आ रही है ना, दुनिया की जनसंख्या बढ़ रही है घट रही है? घट रही है, बढ़ रही है। 76 में बाबा का प्रत्यक्षरा होती है विदेशी बच्चों के द्वारा, हाँ तो कौन था विदेशी बच्चे? बीज रूप आत्मा है। ब्रह्मा के चार पुत्र हैं, शास्त्रों में गाए हुए हैं, सनक सनातन सनंदन सनत कुमार, चार ही मुख्य धर्म है। तो चार मुख्य धर्मों के चार बीज हैं, जो चार बीज हैं वही राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के रूप में गाए गए हैं, वही ब्रह्मा के चार पुत्र के रूप में गाए गए हैं। जो चार पुत्र हैं ब्रह्मा के, उनमें जो सबसे छोटा है वो ज्ञान में सबसे तीखा है, इसलिए सबसे बड़ा है, उसी के द्वारा सनातन धर्म की स्थापना होती है। एडवांस ज्ञान जब शुरू होता है तो एडवांस ज्ञान लेने वाली धारण करने वाली कितनी आत्माएं कितने बच्चे विशेष सर्विस करते हैं फील्ड में? चार। वो बहुत ज्ञानी होते हैं। बाबा ने घोषणा की थी संक्षेप के लिए 66 में घोषणा की थी, आने वाले 10 वर्षों में दुनिया का विनाश हो जाएगा। बोला था कि नहीं? लक्ष्मीनारायण की चित्र को देखो नीचे कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा हुआ है। क्या लिखा है पढ़ो, ये लिखा हुआ है विनाश की बात भी लिखी हुई है, संक्षेप की स्थापना की भी बात लिखी हुई है। तो कौन सा विनाश हुआ है? ब्राह्मणों की पुरानी दुनिया टूटने लगी और नई दुनिया तैयार जमुना की कंठी पर होने लगी। जब पुरानी दुनिया विनाश हुई तो नई दुनिया स्थापन हुई। महाभारत में लिखा है कि भीष्म द्रोणाचार्य का, द्रोणाचार्य जो धनुर्वेद सिखाते हैं दोनों कौरव और पांडव, तो द्रोणाचार्य एक्चुअली वो ब्राह्मण है लेकिन कर्म ये क्षत्रिय का करता है। तो ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं बन सकते? बन सकते हैं लेकिन हा? तो ये कैसे हो गया उसका? वैसा गीता में ये लिखा है स्वधर्म निधनम श्रेय पर धर्म भया, तो उन्होंने ऐसा कैसे किया? स्वधर्म में नहीं रहा, नमक खाया ना, उनका नमक खाया उनका बजाना पड़े ना। तो हमारा ये ज्ञान में इस पर लागू पड़ता है? वो ज्ञान में अभी सन्यासी निकले ही कहाँ हैं, जब निकलेंगे तब तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। अभी सन्यासी निकले हैं ब्रह्मा कुमारी, वो सब सफेद कपड़े वाले सन्यासी तो सबके सब बैठे हुए हैं, निकलते कहाँ हैं? सच्ची गीता माता और झूठी गीता माता, ये दोनों सच्ची और झूठी क्यों ऐसे नाम रख दिया है? सच्ची गीता इसलिए कि एक सत्य है एक कि अनेक,
सत्य एक है कि अनेक है? तो वो एक सत्य जब इस सृष्टि पर आता है तब सच्ची गीता सुनाता है, इसलिए हमारी है सच्ची गीता। और वो जो गीता है उसकी भेद टीका है। जितने मठ पंथ हैं दुनिया में, जितने धर्म हैं, जितने धर्म की शाखाएं हैं, टहनियां हैं, उतने प्रकार की उसकी टीकाएं व्याख्याएं करती है। तो झूठा अनेक होगा या एक होगा? तो वो गीता, वो गीता झूठी है। भगवान एक सच्चा है, वो ही सच्ची गीता के सुनाता है। यज्ञ के आदि में भी वो संस्कृत की गीता के सही अर्थ करता था। सुना होगा आपने, पहले बाबा गीता पढ़ के सुनाते थे। तो जो आदि में, अंत में भी वही गीता निकलेगी। जब गीता के 108 से ऊपर टीकाएं हो गई, सैकड़ों टीकाएं हो गई, सैकड़ों व्याख्याएं हो गई, अपने अपने मतानुसार, अपने अपने धर्म मठ पंथ के अनुसार, और ब्रह्मा कुमारियां कहती है हमारा जो ज्ञान है वो ईश्वर का ज्ञान है, तो ईश्वरीय ज्ञान के अनुसार गीता की टीका नहीं हो सकती। जबकि कहते हैं यज्ञ के आदि में गीता पढ़कर के सुनाई जाती थी, तो आदि में सच्चाई होगी ना, जो आदि में थी वो अंत में फिर वही सच्चाई निकली। पहला ही श्लोक देख लो, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, क्षेत्र माने युद्ध का मैदान, खेत, खेत का बिगड़ा हुआ रूप है क्षेत्र, खेत सही शब्द है क्षेत्र। धर्म क्षेत्र, धर्म क्षेत्र का मतलब हुआ धर्मों के युद्ध के मैदान में। अनेक प्रकार के धर्म होंगे तभी तो युद्ध होगा, कि दुनिया में एक धर्म होगा तब युद्ध होगा। अनेक प्रकार के धर्म दुनिया में कब फैलते हैं? सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में, है? अनेक प्रकार के धर्मों का क्षेत्र कब तैयार होता है? कलयुग के अंत में तैयार होता है। कलयुग के अंत में अनेक प्रकार के धर्म इकट्ठे हो गए दुनिया में। सब कहते हैं हमारा सच्चा, तो सब सच्चे होंगे या एक ही सच्चा होगा? एक ही सच्चा होगा। और जो एक सच्चा है वो प्राय है लोप हो जाता है। गीता में क्या लिखा है? आज सनातन देवी देवता धर्म प्राय है लोप हो जाता है। तो प्राय है लोप हुआ पड़ा है, इसलिए बहुत क्षीण अवस्था में है। उसका मिसाल दिया है बनियन ट्री का। कलकत्ता में जो बनियन ट्री है उसकी सारी शाखाएं, सारे थुर, सारी जड़ मौजूद हैं, लेकिन जो मुख्य जड़ है, मुख्य थुर है, वो है ही नहीं। तो क्या फाउंडेशन है ही नहीं या प्राय है लोप है? अगर प्राय लोप है तो पूरी लोप तो नहीं है, है? थोड़ी कहीं कहीं, माने वहां अगर खुदाई की जाए तो वो जड़ नीचे मिलेगी। क्यों? क्योंकि जितने भी दूध वाले वृक्ष होते हैं उनकी एक खासियत होती है कि दूध वाले वृक्षों की जड़ जो है वो जहां नमी मिलती है, पानी मिलता है जमीन में, जमीन में जहां पानी मिलता है वहां वो जड़ सुरक्षित रहती है, नष्ट नष्ट नहीं होती। नहीं समझ में आया? जड़ जहां, जैसे कुआ खोदा जाता है तो कुएं में नीचे लकड़ी लगाई जाती है, वो लकड़ी दूध वाली वृक्ष की होती है। क्यों लगाते हैं दूध वाली वृक्ष की? क्योंकि वो दूध वाली वृक्ष की लकड़ी कभी सड़ती नहीं है। तो ऐसे ही ये देवी देवता सनातन धर्म की जड़ है। पृथ्वी के ऊपर ऊपर पानी नहीं होता है तो सड़ गई। पानी माने, पानी माने क्या? ज्ञान जल, ज्ञान जल माने शुद्ध सनातन ज्ञान जल है।
जिन जिन बच्चों की बुद्धि में रहता है कलयुग के अंत में, वो परिवार आज भी प्रायः लोग की स्टेज में देखे जा रहे हैं, 60-60, 70-70 लोगों का एक ही परिवार और एक ही मुखिया होता है हिंदुस्तान में, देखने को मिलते हैं अभी भी। और वो मुखिया राजा की तरह अपने परिवार में कार्य करता है, सारे सदस्यों के बीच में कोई उसकी बात को काट नहीं सकता, जैसे राजाई की है, राजाओं की राजाई चलती है ना, ऐसे परिवार में राजाई चलती है। एक धर्म पूरे परिवार में चलता है, दूसरे धर्म को कोई मानने वाला नहीं होगा। ऐसे नहीं एक बच्चा जनता पार्टी में चला जाए, एक बच्चा कांग्रेस पार्टी में चला जाए, एक बच्चा दूसरे समाजवादी पार्टी में चला जाए, नहीं, पूरा परिवार बंधा हुआ होगा। तो ये है देवी देवता सनातन धर्म की निशानी, ये प्राय लोक हो जाता है। तो प्राय लोक थोड़ा होगा या ज्यादा होगा है? थोड़ा होगा ना, तो थोड़ा है, संसार में तो है ही नहीं, भारतवर्ष में कहीं कहीं ऐसे परिवार देखने को मिलते हैं। तो जो थोड़ा प्राय लोक है उस प्राय लोक को ही नया रूप देना। संक्षेप्तर में ब्राह्मणों की दुनिया में ऐसे नहीं कि ज्ञान को असली रूप में समझने वाले ब्राह्मण सब खलास हो गए, नहीं, कुछ थे। वो आत्माएं रहती हैं और प्रत्यक्ष होती हैं, उनमें खास है लक्ष्मी नारायण, उनकी बुद्धि में ज्ञान ठहरता है, वो पकड़ती है उसका, और साथ साथ में वो तीन और धर्मों के जो बीज हैं वो भी पकड़ लेते हैं, वो भगवान को भी पहले पहले पहचान लेते हैं। तो मुख्य धर्म है चार, देवता, इस्लामी, बौद्ध और क्रिश्चियन, चारों धर्मों के चार बीज संक्षेत्र में प्रत्यक्ष होते हैं और भगवान को प्रत्यक्ष कर देते हैं। पुरानी दुनिया ब्राह्मणों की विघटन होती है, टूटती है, कहां? जमुना के कंठे पर, जमुना के कंठे, जमुना के किनारे किनारे की जो भी सेवा केंद्र थे उनमें से जो आज सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं थी उनका सैंपलिंग लग गया, वो एडवांस में आ गई, और बाकी सबको क्या समझो, आप हुए मर गए दुनिया, बाकी सब मरे हुए समझो। आप भी यहां ज्ञान में आ गए तो आप निश्चय बुद्धि विजयंती जिंदा है या मरे हुए हैं, और वो सब क्या है, अनिश्चय बुद्धि है। अनिश्चय बुद्धि क्यों? उन्हें भगवान का निश्चय है, वो भगवान को पहचानते हैं, उनकी बुद्धि में है भगवान का नाम रूप गुण धाम क्या है। कभी कहेंगे गुलजार दादी, कभी कहेंगे ब्रह्मा, कभी कहेंगे बिंदु को याद करो, हमारी बुद्धि में पक्का है कि भगवान का नाम क्या है, रूप क्या है, गुण क्या है, धाम क्या है, क्या कार्य कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, सब हमारी बुद्धि में। तो हम निश्चय बुद्धि, हम आस्तिक हैं, हमारी एक के ऊपर आस्था है, तो हम देवी देवता सनातन धर्म के पक्के हैं, हमारे द्वारा ये फाउंडेशन लग रहा है। और त्रेतायु के आदि में राम सीताराम याची करते हैं, उनको जन्म देने वाला आठवां नारायण है? नहीं, उनको जन्म देने वाला आठवां नारायण नहीं है, उनको राजा ही देने वाला आठवां नारायण। तो आठवां नारायण के ऊपर इतना ज्यादा कर्जा चढ़ा हुआ होता है कि वो साहूकार बनने वाली राम वाली आत्मा से कर्ज लेता है ढेर का ढेर, फिर अपनी राजाई चलाता है, वो राजाई उस कर्ज में डूब जाती है, उसकी शूटिंग संक्षेत्र में होती है जगदीश भाई और राम वाली आत्मा के द्वारा। जगदीश भाई हवाई जहाजों में घूमते रहते हैं और जो करना चाहिए सो नहीं करते, क्या करना चाहिए? ब्राह्मणों का काम असली क्या है? ज्ञान लेना और ज्ञान देना। तो मुरली पढ़ते ही नहीं,
मुरली न पढ़ेंगे, न मनन चिंतन मंथन करेंगे, न रेगुलर क्लास करेंगे, तो बुद्धि में ज्ञान बैठेगा? लेकिन उन्होंने बहुत लिखा है, किताबें बहुत लिखी हैं। वो किताबें जो लिखी हैं वो बेंड कर देनी चाहिए, बेंड करने योग्य किताबें हैं। मनमत लिखी है या श्रीमत लिखी है? लेकिन अगर उन्होंने ज्ञान का सच्चा पुरुषार्थ किया है तो भगवान को प्रत्यक्ष करना चाहिए अपने द्वारा, ये आप कर सके या नहीं कर सके? खुद अपने मुंह से बोलते कि हमने बीड़ा उठाया था, हम भगवान को प्रत्यक्ष करेंगे, नहीं कर सके। भगवान को तो प्रत्यक्ष करना दूर, अपने पार्ट को भी प्रत्यक्ष नहीं कर सके जो बिल्कुल क्लियर था। मुरलियों में आया है कि जो सन्यासी वो क्या नमारी समाजी होते हैं, वो ढेर का ढेर लिटरेचर छपाते हैं और लिटरेचर से ही ढेर सारी सेवा करते हैं, धर्म का प्रचार करते हैं। तो हमारे ब्राह्मणों की दुनिया में कौन पक्का ऐसा आर्य समाजी हुआ जिसने लिटरेचर से ही सारी सेवा की? आत्मा नारायण साबित हो गया कि नहीं? आठवां धर्म पिता उसमें प्रवेश करता है, वो आठवां नारायण राम वाली आत्मा से ढेर सारा उन्होंने कर्जा लिया। जो काम आठवें नारायण को करना चाहिए था वो काम राम वाली आत्मा ने किया। क्या? मनन चिंतन मंथन करना और नए नए पॉइंट्स निकालना और नए नए पॉइंट्स निकाल करके सारी दुनिया को सुनाना देना, जिसको जरूरत हो उसको कर्जे में देना। उनकी राजाई चली, वो हवाई जहाज में चक्कर काटते रहे, पैसा सर के ऊपर बढ़ता रहा कि घटता रहा? कर्जा चढ़ा, वो कर्जा फिर बना त्रेता के अंत में, दाओ सतयुग के अंत में त्रेता के आदि में वो प्रत्यक्ष हो जाते हैं। उनकी राजाई उनका नाम डूब जाता है, नारायण का नाम डूब गया और किसका नाम शुरू हुआ? राम का राज्य शुरू, राम वाली आत्मा का राज्य शुरू हो जाता है और नारायण का राज्य डूब जाता है। तो कुल घाती कौन हुआ? कुल का नाम डुबोने वाला कौन हुआ? आखिरी नारायण वो कुल का नाम डुबोने वाला हो गया। और जब ब्रह्मो बाबा गुस्सादादी के तन में आते हैं तो दादी अनकॉन्शियस करते हैं, परंतु ब्रह्मा बाबा अदर शरीर में आते हैं तो क्यों अनकॉन्शियस नहीं बनते हैं? ब्रह्मा बाबा दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं तो क्यों अनकॉन्शियस नहीं बनते हैं? ओनली गुरुसरदादी अनकॉन्शियस करते हैं। हाँ। ये ब्रह्मा की आत्मा साकार शरीर छोड़ दिया, क्या आत्मा ने साकार शरीर छोड़ा है? क्या सूक्ष्म शरीर भी छोड़ दिया? उनका सूक्ष्म शरीर भी है और कारण शरीर भी छोड़ दिया। कारण शरीर है बिंदु, बीज को कहते हैं कारण, बीज को कहते हैं बाप, सारे परिवार का कारण कौन है? बाप। तो ब्रह्मा बाबा के दो रूप हैं, एक बीज रूप स्टेज और एक सूक्ष्म शरीर। गुलजार दादी में जो प्रवेश करते हैं वो सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर का बंधन तब बनता है जब पांच विकार रह जाते हैं। क्या? काम विकार का जोश आया और किसी लड़की की या पत्नी की हत्या कर दी। इसे बाबा सुनाते हैं ना, जालंधर में एक भाई था, उसकी पत्नी ज्ञान में जाती थी, कुल्हाड़े से मार डाला। काम विकार के आधार पर हत्या की ना, ऐसा हत्या करने वाला सूक्ष्म शरीर धारण करेगा या नहीं? जिसकी हत्या हुई वो भी थोड़े समय के लिए सूक्ष्म शरीर धारण करता है और जिसने की वो भी सूक्ष्म शरीर धारण करता है। तो ब्रह्मा बाबा का लगाव लगा हुआ था गुलजार दादी का, गुलजार दादी से बचपन से ही। मुरली में ये बात आई है
ब्रह्मा बाबा गुलजार दादी को बुलाते थे, वो भाग जाती थी। छोटी बच्ची वो तो यज्ञ में ही पली है ना, बाबा के आंखों के सामने ही पली है ना, बोध में पली हुई है। लेकिन इतनी सुंदर बच्ची थी कि बाबा उसे बुलाते थे और वो आती नहीं थी। तब से लेकर के और बड़े होने तक वो बाबा के नजदीक नहीं आई। तो अंदर की जो कामना है वो रह गई ना, लगाओ जो अटैचमेंट है वो रह गया ना, तो अंत मत है सुगति किसका सभी लिया भूल जाता दिन से इनको आपको पाई कर लिया। वो मोह अभी तक भी टूटा नहीं है। तो जिन जिन आत्माओं के साथ उनका मोह है उसमें शरीर के सूक्ष्म शरीर से प्रवेश करेंगे, सब में प्रवेश नहीं करेंगे। बाकी हम तुम बच्चों में उनका जो प्रवेश होगा वो आपकी बीज रूप स्टेज है, आप बीज रूप आत्मा है, इसलिए उनकी भी क्या अवस्था बन जाती है बीज रूप स्टेज। तुम्हारा चेहरा मोहरा नहीं बदलेगा, तुम्हारे में प्रवेश करेंगे तो सेवा करेंगे, दृष्टि की सेवा करेंगे, वाचा की सेवा करेंगे, सेवा का रिजल्ट भी निकलेगा, आप अनुभव भी करेंगे। हमें तो ये पॉइंट पता ही नहीं था, लेकिन उसके सामने जाके हम धड़ाधड़ बोलते रहे, ये पावर कहां से आ गई? तो पावर आती है लेकिन बीज रूप दृष्टि। हमारा चेहरा मोरा नहीं बदलता, हम गुलजार दादी को यहाँ ये बंगलौर में इंचार्ज थी किक्कन दादी, शरीर छोड़ दिया उन्होंने अभी, उनमें भी प्रवेश करते थे, उनका चेहरा मोरा बदल जाता। और वो ब्रह्मा का भी तो 100 साल पूरा हो चुका। वो ब्रह्मा का 100 साल शुरू कब हुआ या 60 साल कब शुरू हुआ? दादा लेखराज ब्रह्मा का 60 साल कब पूरा हुआ? 46-47, क्योंकि मुरली में आया है पहले बाप, बाप मुरली नहीं चलाते। 10-15 पेज लिखाते थे, ये लिखते थे कौन? ब्रह्मा बाबा लिखते थे, बाप लिखाते थे। तो लिखने का काम होता था उस समय, बाद में उसकी कापियां निकाल करके क्लास में पढ़ी जाती थी। फिर बोला जब प्रवेश किया है तब से मुरली निकलती चली आई है कराची से। तो मुरली कराची से निकलना तब शुरू हुई है जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा, बंटवारा हुआ, मारकाट हुई, तो सिंध हैदराबाद में जो तालों के अंदर बंद थी वो सब निकल करके भाग खड़ी हुई, बाबा के पास आई। बाबा का जोश बढ़ गया, बाबा तो सिंध हैदराबाद से अकेले भागे थे जब झगड़ा शुरू हुआ था। झगड़ा किस बात पर शुरू हुआ था? हाँ, झगड़ा होता ही है यज्ञ में एक ही बात पर। क्राइस्ट को फांसी क्यों दी गई? वो भी पवित्रता की बात थी। ये धोबी घाट यज्ञ के आग से ही चलता चला आ रहा है, ये कपड़े धोने का कार्य यज्ञ के शुरुआत से ही चलता था। मूत्रपलीति कपड़ धोती गुरु नानक के लिए सिखों ने बोल दिया, अब गुरु नानक थोड़े ही मूत्रपलीति कपड़ धोती करते थे, ये तो सदगुरु की बात है। गुरु नानक तो खुद ही उंगली से इशारा करके ऊपर की तरफ इशारा कर रहे हैं, उनकी चित्र देखे वो ऊपर को इशारा कर रहे हैं। और सिख लोग क्या समझते हैं? गुरु नानक सदगुरु कौन है? गुरु नानक को समझ लेते। लेकिन नहीं, ये सदगुरु तो वो शिव बाबा है, वो जिस मुकर्र रथ में यज्ञ के आदमी आया पीऊ में, वो पीऊ के द्वारा ये कपड़े धोने का कार्य होता था। वो बात आउट हो गई बाहर की दुनिया में, बाहर की दुनिया में आउट होगी तो झगड़ा होगा कि नहीं होगा? हैं? ढेर की ढेर ऊंचे ऊंचे घरों की कन्याएं माताएं आई हुई थी, एकदम बिगड़ पड़े सिंध हैदराबादी।
झगड़ा शुरू हो गया। ब्रह्मा बाबा भाग गए, क्यों भाग गए? डरपोक थे क्या? हाँ डरपोक थे। मुरली बोला है इनको जब साक्षात्कार हुआ विनाश का तो रोने लगे, तो डरपोक थे कि नहीं थे? तो जब ये झगड़ा शुरू हुआ तो ब्रह्मा बाबा तो पहले ही फसल गए, कहाँ? कराची में चले गए। बाद में जिन जिन ब्रह्मा कुमारियों को जो छूटी ले थी मालूम पड़ता गया, वो एक एक दो दो करके कराची जाती रही। पूरा हुजूम नहीं इकट्ठा हुआ, पूरा हुजूम तब इकट्ठा हुआ जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का झगड़ा हो गया, मारकाट शुरू हुई। फिर जिन्होंने जिन्होंने ताले में बंद किए हुआ रखा था वो भी छोड़ करके भाग गए थे। वो ताले में से उनका छुटकारा हो गया, वो भाग गया बाबा के पास। ढेर की ढेर जब इकट्ठी हो गई तो बाबा का नशा बढ़ेगा ही नहीं बढ़ेगा? नशा बढ़ गया, बस मुरली चलना शुरू हो गई। तो जिस तन में मैं प्रवेश करूंगा उसका नाम ब्रह्मा, तब से उनका नाम ब्रह्मा शुरू हुआ। पहले ब्रह्मा कुमारी नाम नहीं था आश्रम का, क्या नाम था? ओम मंडली था, सन 46-47 से पहले। फिर जब ब्रह्मा में प्रवेश हुआ, ब्रह्मा में वाणी चलने लगी, फिर उनकी बुद्धि में आ गया ये ब्रह्मा है, ब्रह्मा के मुख से वेद वाणी निकल रही है और ये वेद वाणी के आधार पर ये ब्रह्मा है, ये सचमुच में कृष्ण बनने वाला है, और उसी आधार पर ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय नाम आउट हो गया। ब्रह्मा कुमारी विद्यालय नाम आउट हुआ, अम्मा कुमारी नाम आउट हुआ, बाप कहां चला गया? नहीं नहीं इसको 100 साल का जो बोले 100 साल के बाद तो मोहन मतलब वो मुक्त हो जाते हैं, है? तो 100 साल के पूरा हो जाता है। दादा लेखराज ब्रह्मा, कौन से ब्रह्मा? दादा लेखराज, दादा लेखराज का ब्रह्मा 88 में पूरा होता है जब उन्होंने 1 साल नहीं आए थे। फिर भी मोह अभी चल रहा है। बच्चा जब पेट में प्रवेश करता है तो गर्भ के अंदर वो अपने पूर्व जन्म की स्मृति में जाता है कि नहीं जाता है? बच्चा बुद्धि है, हमारे तुम्हारे मुकाबले तुम तो बाप बाप की आत्मा है, बीज रूप आत्मा हो, तुम तो बाप समान आत्मा हो। वो बच्चा समान आत्मा है कि बाप समान है? वो बच्चा बुद्धि है। लंबे समय तक उनका बच्चे पाने का, कोई बच्चे ऐसे होते हैं 8-10 साल के होते हैं तो भी बच्चों जैसा व्यवहार करते हैं, उन्हें पूर्वजन्म की स्मृति आती भी रहती है, तो वो अपने पूर्वजन्म की स्मृति में जाते हैं। जब पूर्वजन्म की स्मृति में जाते हैं तो गुलजारदा जी में प्रवेश कर जाते हैं, नहीं तो यहाँ बैठ करके ज्ञान सुनते हैं। आप क्या समझते हैं ब्रह्मा जी 16 भी ज्ञान नहीं सुन रही होगी? शास्त्रों में हनुमान जी ये कहते हैं जहाँ रामायण की कथा होती है वहाँ हनुमान, हनुमान जरूर उपस्थित रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। तो कौन है हनुमान की आत्मा? ब्रह्मा। सब आत्माएं किसके साथ परम धाम जाएंगी? अरे झाड़ का चित्र नहीं देखा क्या? देखो ये सामने ऊपर देखो, किसके साथ परम धाम जाएंगी सब आत्माएं? हैं? अरे कौन चित्र क्या दिखाया है ऊपर? शंकर, शंकर से ऊपर क्या दिखाया? शिव बाप भी जाएगा, शिव बाप के पीछे पीछे प्रजापिता ब्रह्मा कहो, शंकर कहो, संगम यदि कृष्ण कहो, संगम यदि नारायण कहो, वो आत्मा भी पीछे पीछे जाएगी। फिर उसके साथ साथ समझा? लेकिन सबसे आखिरी शरीर तो छोड़ने वाला प्रजापिता होगा? आखिरी शरीर छोड़ेगा तब तक आत्माएं सूक्ष्म बतन में रुकेंगी। सब आत्माएं जो शरीर छोड़ेगी उस समय
वो धमाकों से छोड़ेंगी, अकाले मौत में शरीर छोड़ेंगी या याद के बल से शरीर छोड़ेंगी? कैसे शरीर छोड़ेंगी? झटके में। हाँ, झटके से शरीर छोड़ेंगी, अकाले मौत होगी। तो अकाले मौत होने वाले भूत प्रेत बनेंगे या देवता बनेंगे? वो भूत प्रेत को ये सूक्ष्म बतन चाहिए कि नहीं चाहिए? वो सब सूक्ष्म बतन में ठहरेंगे, तब तक ठहरेंगी जब तक प्रजापिता अपने शरीर को बुद्धियोग से छोड़ करके बर्फ में, बुद्धियोग से अपने शरीर को छोड़ करके परमधाम बुद्धियोग से वापस मिल जाए। वो आगे आगे जाएगा, पीछे पीछे सब सब आगे। धर्मराज का काम किधर से रहता है? धर्मराज का काम किधर से? धर्म माने क्या? धारणा का राजा कौन है? अरे ब्राह्मणों की दुनिया में कोई धारणाओं का राजा है? कौन है? ब्रह्मा बाबा। वो ब्रह्मा की सोल किस में प्रवेश कर रही है अभी? अब्बल नंबर में किस में प्रवेश करती है? कृष्ण प्रवेश करती है? जगदम्बा। जगदम्बा में अब्बल नंबर में प्रवेश करती है? हाँ, जगदम्बा को भी चंद्रमा दिखाया जाता है सर के ऊपर, लेकिन जगदम्बा चंद्रमा ज्यादा प्रसिद्ध है या शंकर का चंद्रमा ज्यादा प्रसिद्ध है? शंकर का ज्यादा। चंद्रमौली किसे कहा जाता है? जगदम्बा महाकाली को चंद्रमौली कहते हैं या शंकर को चंद्रमौली कहते हैं? ज्यादा गायन किसका है? तो अब्बल नंबर में चंद्रमा को धारण करने वाली कौन आत्मा है? शंकर। वो एक ही पार्ट है, उसमें प्यार का सागर भी बैठा हुआ है और मार का सागर भी बैठा हुआ है। जो बहुत प्यार करेगा साकार में, वो बहुत मार नहीं मारेगा। ढेर के ढेर बच्चे थे ब्रह्मा बाबा को, सबको प्यार ही प्यार दिया। क्यों ही बच्चे ने आज तक ये नहीं बताया कि ब्रह्मा बाबा ने हमको टेढ़ी आंख से देखा और बच्चों ने उनके साथ क्या किया? बच्चों ने उनके साथ अच्छा व्यवहार किया या बच्चों ने नंबर वार खराब व्यवहार ही किया? खराब व्यवहार किया। तो जो किया है बच्चों ने ब्रह्मा के साथ, ब्रह्मा जैसी श्रेष्ठ आत्मा के साथ, जिसने कभी किसी को मनसा वाचा कर्मणा दृष्टि वृत्ति से दुख नहीं दिया है, वो आत्मा के साथ जो कर्म बंधन बांधा है बच्चों ने, सौ गुना पाप का बोझ, वो हिसाब किताब पूरा नहीं होगा? कहाँ होगा? वो तो शरीर छोड़ गए प्रसन्न दिन में। अभी वो आत्मा राम वाली आत्मा में प्रवेश करके वो पाठ बजाती है। अभी बिल्कुल तो ब्रह्मकुमारी से भाई विक्रम शरीर छोड़ते जाते थे, एडवांस में जाते थे, उसने जो करते थे एडवांस में है। जो शरीर छोड़ करके जा रहे हैं, ब्रह्मा भी शरीर छोड़ के गया या नहीं गया? नहीं गया। नहीं गया। ब्रह्मा शरीर छोड़ करके गए। तो जैसे ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़ के गए, तो ब्रह्मा को याद करने वाले शरीर नहीं छोड़ेंगे? ब्रह्मा को याद करने वाले भी शरीर छोड़ रहे हैं। ब्रह्मा की जो गति हुई है वो ही शरीर छोड़ने वालों की भी गति होगी। ब्रह्मा शरीर छोड़ करके दो रूपों में पार्ट बजा रहा है, सूक्ष्म शरीर से गुलजार दर्द जैसी आत्मा में प्रवेश करता है और बीज रूपी स्टेज में शंकर जैसी आत्मा में प्रवेश करता है, जगदम्बा जैसी आत्मा में प्रवेश करता है। तो ऐसे ही और आत्माओं का भी पार्ट नहीं है क्या? और जो शरीर छोड़ने वाले ब्रह्मा की तरह यज्ञ में शरीर छोड़ रहे हैं, उनका यही पार्ट नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। चलेगा। चल रहा है। शरीर में है या स्थूल शरीर में? तो अभी तो बताया, आत्मा का स्थूल शरीर छूट गया तो सूक्ष्म शरीर रहता है कि नहीं रहता है? सूक्ष्म शरीर रह गया, बीज रूप स्टेज रह गई, दो रूप में वो पार्ट बजा। बीज रूप आत्माओं के साथ रहेंगे तो बीज रूप स्टेज में रहेंगे।
नहीं तो सूक्ष्म शरीर से पार्ट बजाएंगे तो जो शरीर छोड़ने वाले हैं उनमें ही प्रवेश करके पार्ट बजाएंगे। आत्मा कहती है मैं इस शरीर से कर्म करते करते थक गया हूं, मुझे रेस्ट करना है। तो जब हम सोते हैं तब हर आत्मा को बाबा से ही शक्ति मिलती है, क्योंकि उठने के बाद थकान कम हो जाती है। कर्मेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियों को रेस्ट दो तरह से दिया जा सकता है। प्रैक्टिकल करके देख लो, एक तो सो जाएंगे तो भी रेस्ट मिलेगा, सुसुप्ति में चले जाएंगे। दूसरी बात, बिंदु रूप स्टेज में टिक जाओ, सिर्फ बिंदु को याद करो और आंखें बंद करके लेट जाओ, दूसरा कुछ मत याद करो तो भी रेस्ट हो गया। जैसे कि आत्मा परमधाम वासी हो गई, ऐसे ही परमधाम में जब आत्मा जाती है तो रेस्ट मिल जाता है। फिर इस रंगमंच पर आती है तो फ्रेश होके आती है, या दुखी होकर के आती है, फ्रेश होकर के। श्री राम, बलराम और परशुराम तीनों एक हैं या अलग अलग हैं? श्री राम तो 16 कला संपूर्ण, श्री राम कितने कला संपूर्ण थे? 14 कला संपूर्ण। और बलराम, बलराम को कितने कला संपूर्ण बताते हैं? वो कृष्ण के साथ थे लेकिन द्वापर युग में बताया हुआ है। एक तरफ तो शास्त्रों में लिखा है कि द्वापर में 8 कलाएं होती हैं, सत्य को 16 कला संपूर्ण होता है, दूसरी तरफ कृष्ण और बलराम को 16 कला दिखा दी, तो झूठी बात साबित होती कि नहीं? शास्त्रों में झूठ है या सच है? झूठा साबित हो जाता है। फिर भी श्री राम वाली आत्मा प्रजापिता वाली आत्मा है, बलराम वाली आत्मा ब्रह्मा वाली आत्मा है, और परशुराम वाली आत्मा 4 कला संपूर्ण बताई जाती है। द्वारा बाहर की दुनिया में, ब्राह्मणों की दुनिया में नहीं है। आदि देव और अष्ट देवताएं, अष्ट रतन, इनका आपस में कुछ ताल्लुक है? जरूर ताल्लुक है। रतन एक ही जाति के होते हैं या अलग अलग जाति के होते हैं? रतन एक ही वैल्यू के होते हैं या अलग अलग वैल्यू के होते हैं? हैं? अलग अलग वैल्यू, अलग अलग वैल्यू के होते हैं। और जो देव है अष्टदेव, वो सब सूर्यवंशी हैं या अलग अलग वंश के हैं? सब सूर्यवंशी हैं। जो अष्टदेव हैं सूर्यवंशी, अर्थात सब हीरे हैं, हीरो पार्ट बजाने वाले हैं, हर धर्म के हीरो हैं। और अष्टरतन हर धर्म के हीरो नहीं है, उनकी तो एक दूसरे से कम वैल्यू है,
माणिक, हीरा, पन्ना, मोती, नीलम, ये बराबर वैल्यू के हैं, हैं? अलग अलग वैल्यू के हैं। और आसदेव वो तो सात सूर्यवंशी हैं, सब हीरो हैं, थोड़ा सा अंतर है फिनिशिंग का, अष्टदेव में ज्यादा अंतर नहीं है। देवों की मुख्य निशानी क्या है? हाँ, इस ज्ञान का मुख्य लक्ष्य क्या है? नष्ट हुआ स्मृति लक्ष्य, तो ये उनकी खास निशानी देखने में आवेगी। क्या जब से ज्ञान में चले होंगे, एडवांस में हो या डीके में आए हो, तब से नष्ट मोहा स्मृति लग गया। जिएंगे तो ईश्वरीय कार्य के लिए जिएंगे, करेंगे तो ईश्वरीय कार्य करेंगे। लौकिक दुनिया से जैसे उनका मोह ज्ञान लेने के बाद नष्ट हो जाए। पढ़कर ही सुनाओ, किसने लिखा है? विचित्र भाषा है। एक भी जवाब नहीं है। हाँ, संगमयुग के श्री नारायण कला सूर्य के तरफ कलातीत है। हाँ, संगमयुग के श्री नारायण कलातीत नहीं है। संगम युग के जो नारायण है वो तो 16 कला संपूर्ण ही होंगे, लेकिन नारायण बनने से पहले जो शंकर के रूप में है वो कलातीत है। तो त्रेता में कलाएं घटेंगी जन्म लेने के बाद। जन्म 8 जन्म लेने के बाद 9वां जन्म होगा ना, तो 9 जन्म लेने के बाद सुख भोगते भोगते आत्मा की शक्ति क्षीण होगी या नहीं होगी? क्षीण होगी। 14 कला रह जाती है। संगम युग में कलाएं बढ़ती हैं या घटती हैं? बढ़ती है। टाइम हो गया। गुरुवायु का बेहद का क्या है? गुरुवायु बेहद का गुरुवायु रह क्या रहे? गुरु वायु रहे। वायु कौन है? पवन देव कौन है? हनुमान। यहाँ होगा भी। हाँ, चल ओम शांति।